मैं सिर्फ अब अकेला अपना क्रेडिट नहीं लूँगा। हम ये सोच के फिल्म बनाते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें हमारी पसंद शामिल नहीं होती। जब हम फिल्में देखते थे तो किस किस्म की फिल्में अभी आजकल हमें पसंद आती हैं और पहले आती थी, तो हम उसका एक मिक्सचर बनाते हैं अपनी पसंद का प्लस ऑडियंस की पसंद का, लेकिन ऑडियंस की पसंद को रखते ज़रूर है नज़र में। शायद ये रीज़न है कि लास्ट 2-3 फिल्में हमारी सक्सेसफुल गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जवानी फिरने यानी 2 भी लोगों को पसंद आएगी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छी स्क्रिप्ट में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले मतलब कैरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले, फिल्म के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन प्ले और स्टोरी टेलिंग उसमें किस किस्म की हुई हुई है, कितनी सिंपल है, और लोगों को फिल्म समझ आनी चाहिए सबसे पहले, और फिर लोगों को बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट। आप अभी ड्रामे करेंगे फिर से ज़्यादा लॉलीवुड के ऊपर मूवीज पर फोकस करेंगे? मैं ड्रामे करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। एक दो सीरियल्स के स्क्रिप्ट मेरे पास पड़े हुए हैं जो सिर्फ मेरी वजह से रुके हुए हैं। शायद मैं अभी सितंबर अक्टूबर में कर लूँ। पंजाब नहीं जाऊंगी को सक्सेस बहुत मिली थी, मुझे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला था कि उसमें डायरेक्टर का ऑप्शन था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ये सुना था कुछ जगहों पे ऐसी बातें हुई थी, हमने ऐसा सोच के बनाई नहीं थी। मेरे ख्याल से औरत काफ़ी स्ट्रांग थी उसमें, और वो जो गलती उसमें मर्द से होती है उसकी आखिर में उसको पशेमानी भी होती है, वो आखिर में मानता है कि मुझसे ये गलती हुई। और दैट्स इट, आप दिखाते तो हैं कुछ ना कुछ, पूरी ड्रामा इंडस्ट्री आजकल वो मर्दों को दिखाते ही हैं, मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक वो इसलिए दिखाया जाता है कि अगर जो मर्द ऐसा कर रहे हैं वो ना करें, तो हमने भी ये दिखाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं है कि केक जैसी फिल्मों के साथ मैं एसोसिएट नहीं करता अपने आप को। मैं अगर दुनिया का जो भी सिनेमा देखता हूँ वो बहुत, मैं वही फिल्में देखता हूँ जो बहुत कमाल होती हैं, जो जिनमें गाने नहीं होते या इतनी फनी नहीं होती। बट होता क्या कि मैंने आपको बताया ना, मैं फिल्में ये सोच के जब बनाना शुरू करूँ, अभी मैं साल की सिर्फ एक फिल्म बना रहा हूँ, जिस दिन मैं 2 या 3 बनाऊँगा, जो कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है इंशाल्लाह, तो उसमें मेरा इरादा है कि मैं केक जैसी फिल्म भी बनाऊँ, मैं मोटरसाइकिल गर्ल जैसी फिल्म भी बनाऊँ। मैं उसको किस तरह बनाना चाहता हूँ, मेरा तरीक़ेकार क्या होगा उसको बनाने का, शायद वो ज़रा डिफरेंट हो। मैं उसमें भी सोचूंगा कि मैं और ज़्यादा लोग वो फिल्म देखें, वो उसका बिज़नेस पोटेंशियल ज़्यादा हो, क्या लोग उसको ज़्यादा देखें। अगर मैं बिज़नेस को भी हटा दूं तो मैं सोचूंगा कि ज़्यादा लोग उसको देखें, उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये सारी फिल्में बहुत अच्छी बनी, बट मैं स्टिल मुझे लगता है कि उनमें कमी है अभी। अगर ऐसी कोई फिल्म बन जाए तो फिर वो दुनिया के अंदर देखी जानी चाहिए और थक पहुँचनी चाहिए कहीं, और उसका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और एक्टिंग का लेवल वो होना चाहिए, डायरेक्शन का लेवल वो होना चाहिए कि फिर वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ हम चाहते हैं सब जाना। यार देखें, सबसे पहले आप जो फिल्में यहाँ बना रहे हैं वो बेहतर तरीके से बनाएं, आपकी अपनी ऑडियंस तो पहले एक्सेप्ट करे उसको। आप इस तरह जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर आप खुद ब खुद इंटरनेशनल तक पहुंच जाते हैं। जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी या JPNA 1 या और एक दो फिल्में, एक्टर इन लॉ जो अच्छी फिल्में हैं जो यहाँ एक्सेप्ट हुई हैं, वो दुनिया में भी हुई हैं, दुनिया में भी पाकिस्तानी और इंडियंस के हुई के लिए हुई हैं अभी। लेकिन हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम एक दिन ऐसी फिल्म बना देंगे जो ऑस्कर्स में भी चली जाएगी। मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट, पहले हम जो भी राइटर है उससे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्या इस फिल्म में पोटेंशियल है। जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी थी, एक सीरियल लिखा हुआ था और मैं खलील साहब से सुन रहा था, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि इसकी कोई फिल्म बनेगी। तो जब मैंने वो सुना और 7 एपिसोड्स मैंने सुने, मैंने उनको बोला रुक जाएँ, उन्होंने मुझे गालियाँ दी कि क्यों रोक रहा है। मैंने कहा मैं ये नहीं बनाऊँगा। कहते क्यों नहीं बनाओगे? तो मैंने कहा मैं इसकी फिल्म बनाऊँगा। तो
यू नो कॉन्सेप्ट क्या, मतलब सुन के ही आपको आइडिया होता है कि यार ये कुछ कर जाएगी, ये बेहतर बन सकती है या लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा इस किस्म का कॉन्टेंट। मैं यही देखता हूँ। यार मैं चेंज तो नहीं करना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सिनेमाज ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ सिनेमाज की कमी है अभी, और इसकी वजह से अभी ईद पे 3 फिल्में आ रही हैं और सब हम परेशान हैं, दुआएं कर रहे हैं कोई एक फिल्म डीरी डारी निकल आए तो 2 का बिजनेस अच्छा हो जाएगा। नो कोई मानता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से दिल यही कर रहा होता सबका, तो यू नो सब एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं कैसी फिल्म है, कौन सी कैसी फिल्म है। तो अगर ये हमारे पास अभी 500 स्क्रीन्स होती या 600 स्क्रीन्स होती तो शायद ऐसा ना होता, हमें डर नहीं होता, हम बोलते ठीक है यार सारी फिल्में आई हैं सभी अच्छी जाएँ और यू नो एक फिल्म जो अच्छी होगी उसका ज़्यादा बिजनेस होगा। यही चेंज आ जाए कि बहुत सारी स्क्रीन्स हो जाएँ, और इसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जो अब जो गवर्नमेंट आई है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़मीनें दें, जैसे इंडिया में हुआ था उन सब में 100-100 साल की लीज़ पे ज़मीनें देना शुरू कर दी थी कि जिसको भी सिनेमा बनाना है वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं जैसे पंजाब नहीं जाऊँगा, अगेन एग्जाम्पल दूंगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो टीवी पे चल नहीं सकती थी, वो टीवी पे भी अच्छे तरीके से बनता तो वो टीवी पे भी अच्छा चलता, मगर जिस तरह का हमने उसको दिखाना था मुझे ऐसे लगता था कि फिल्मी पर्दे पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, उसके अंदर वो ड्रामा भी है और उसको उसका ग्लोरीफाइड वर्जन हम अगर दिखाएंगे सिनेमा पे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। लोग अपनी फिल्में छुपा के बहुत रखते हैं, कुछ पता नहीं लगने देते कि क्या बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, और वो यही डरते हैं कि वो उस वक्त सोचते हैं कि वो जो वो सोच रहे हैं वो बेस्ट है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज तक ये नहीं सोचता, चाहे मैंने जितनी भी फिल्में बनाई, मैं फिल्म लगने वाली भी होती है तो उससे 3 दिन पहले लोगों से शेयर करता हूँ फिल्म, मैं काफ़ी लोगों को दिखाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या गलती है या क्या अच्छाई है। तो इनको अपना स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट के लेवल से करेंगे वो उसी वक्त से अपनी फिल्मों को अपने स्क्रिप्ट को चेक करवाएंगे तो मेरे ख्याल से उनका बहुत फ़ायदा है।